वन डे पॉडकास्टिंग से लेकर डे वन ऑफ पॉडकास्टिंग की जर्नी बहुत ही अमेजिंग थी। इट वॉज अ कम्प्लीट रोलर कोस्टर राइड। इस जर्नी में मैंने इतने अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, बट आई स्टिल लव दिस जर्नी पार्ट ऑफ माइंड। और उसका रीज़न है, आई हैव लर्न्ड सो मच, आई हैव ग्रोन सो मच इन दिस कम्प्लीट जर्नी। सो टुडे इज डे वन ऑफ पॉडकास्टिंग, दैट इज हाउडी टुडे, एंड वी आर शूटिंग एट अ परफेक्ट लोकेशन, दैट इज हाउडी। थैंक यू हाउडी कैफे फॉर गिविंग अस दिस अमेजिंग स्पेस टू लेट यूज इट फॉर आवर पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट के लिए, जैसे मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, हम मिलने वाले हैं एक मैनिफेस्टेशन एंड माइंड अप स्केलिंग कोच के साथ। हर नेम इज स्नेहा जैन, शी इज अबाउट टू कम, आई एम वेटिंग फॉर हर। एंड आज के पॉडकास्ट में हम समझेंगे कि मैनिफेस्टेशन साइंस कैसे काम करता है, होता क्या है, किन लोगों के लिए है, काम करेगा तो कैसे करेगा, काम नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा, और क्या हम मैनिफेस्टेशन को यूज़ करके अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हैं टू अचीव ऑल द सक्सेस वी वॉन्ट। सो लेट्स गेट इन टू हाउडी एंड लेट्स स्टार्ट अ पॉडकास्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडु क्रैडल। दिस इज नमन जैन, फाउंडर ऑफ एडु क्रैडल, एंड दिस इज आवर फर्स्ट एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्टिंग सीरीज हाउडी टुडे। और आज के इस पॉडकास्ट में मैं आपको मिलवाने वाला हूँ एक मैनिफेस्टेशन एंड मेंटल वेलनेस कोच से, जिन्हें काफ़ी एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स को इस पर्टिकुलर फील्ड में ट्रेन करने का। ना सिर्फ ये, शी हैज़ बीन प्रैक्टिसिंग मैनिफेस्टेशन इन हर लाइफ सिंस अ डेकेड। सो आई गेस दैट इज द राइट फिट फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक, फॉर डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो लेट्स वेलकम स्नेहा जैन फॉर आवर पॉडकास्ट। हाय स्नेहा, गुड मॉर्निंग। आई एम गुड, हाउ आर यू? वेरी वेल। सो स्नेहा, हाउ इज द आइडिया ऑफ शूटिंग सुबह 8 बजे? यू नो इट नमन, मैं बिल्कुल एक मॉर्निंग पर्सन हूँ, आई हैव अ मॉर्निंग रूटीन। सो मेरे लिए तो सुबह इज द परफेक्ट टाइम, बिकॉज आई थिंक इट्स द मोस्ट एनर्जेटिक टाइम, एंड आप एक बहुत ही अच्छे माइंड सेट में होते हो, सो टू स्टार्ट एनीथिंग इन मॉर्निंग इज परफेक्ट। हाँ, हमारी थोड़ी सी मजबूरी है, हाउडी वालों ने ये टाइम अलाउ किया है हमें। सो स्नेहा, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स के लिए आप थोड़ा सा अपने बारे में, आप क्या करते हो एंड आपकी क्या जर्नी रही है, थोड़ा सा उसके बारे में पहले बात करते हैं, वो समझते हैं, एंड उसके बाद हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। सो प्लीज़ हेल्प अस आउट विद व्हाट यू हैव डन। ओके, सो आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग मैनिफेस्टेशन फॉर द पास्ट 12 ईयर्स, एंड ऑफ कोर्स माय जर्नी स्टार्टेड when I was going through a bad phase, not really a bad phase, as you all know that we actually all go through breakups, so mera bhi wahi phase chal raha tha. My father and my family has been always very motivating, so they were the ones who actually introduced me to the concept of manifestation. My father is, I've seen my father from childhood that he's somebody who's always very positive. सो जब वो मेरा फेस चल रहा था, वो एक डार्क फेस चल रहा था, वेर एन आई फेल लाइक थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट फॉर मी, एंड आई वॉज रियली गोइंग थ्रू अ लो फेज इन लाइफ, आई हैड स्टार्टेड टू क्वेश्चन माई सेल्फ वर्थ, एंड आई गॉन इन टू दैट फेज वेर एन आई वॉज नॉट श्योर वॉट टू डू नेक्स्ट इन लाइफ। सो आई वॉज एक्चुअली कन्फ्यूज विद माई करियर एंड विद माई यू नो विद माई रिलेशनशिप्स ऑल्सो। सो दैट इज वेन आई एक्चुअली गॉट वेरी मच इंक्लाइंड टूवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी। So I'd always seen my father being very positive, so he was one inspiration for me. And then when I started getting involved more and more into spirituality, then that is when I actually started inclined towards manifestation also. So वहाँ से start हुआ, उसके बाद तो everything is about manifestation only. Like I always say, manifestation तो मुझे लगता है day one से start हो जाती है when you're born. जैसे ही आपको चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं, आप तब से अपनी life में हर एक event manifest करते हो. So similarly for me, it started 12 years back, and since then every day of my life is beautiful, and it's only because of manifestation. So कहीं ना कहीं अगर मैं ये कहूँ कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में ब्रेकअप्स की वजह से अच्छी चीज़ें होती हैं, सो लाइफ में एक बड़ा ब्रेकअप तो इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली नमन, मुझे लगता है लाइफ में कोई भी रिजेक्शन हो, बी इट स्टार्टिंग फ्रॉम योर ब्रेकअप, बी इट योर करियर रिजेक्शन, बीट एनी सॉर्ट ऑफ रिजेक्शन या हेल्थ इशूज हो, वो ही एक्चुअली हमें समझने में हेल्प करते हैं कि वेयर डू वी स्टैंड विद आवर ओन सेल्फ। हमारे खुद के सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स ही एक्चुअली हमारे लिए कहीं ना कहीं ऐसे सर्कमस्टांसिस क्रिएट करते हैं जो हमें लाइफ लेसन्स टीच करते हैं। मेक सेंस। स्नेहा, आज का जो हमारा मेजर टॉपिक है, व्हाई आई वांटेड टू मीट विद यू, इज टू टॉक अबाउट मैनिफेस्टेशन। बिकॉज नाउअडेज जितना मैं इंस्टाग्राम को यूज़ करता हूँ, मेरे इंस्टाग्राम फीड में बहुत सारा कंटेंट, या सिर्फ मेरे नहीं, बहुत सारे लोगों के इंस्टाग्राम फीड पर बहुत सारा कंटेंट इज़ अबाउट, बहुत सारी एड्स इज़ अबाउट
mental upgradation using manifestation. It's about law of attraction. It's about manifest him or her in 30 days. It's about changing your life in 20 days. All those kind of things. So I just wanted to understand कि जब सब लोग इतना manifestation के बारे में बात कर रहे हैं, इतना ज़्यादा manifestation को समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि what is the science. On the contrary, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये बहुत openly बोल रहे हैं कि यार manifestation कुछ नहीं होता, there is no logical explanation to manifestation, ऐसी कोई साइंस नहीं होती, इसको साइंस बोला जा रहा है बट लोग कह रहे हैं साइंस तो है ही नहीं, क्योंकि लॉजिक्स नहीं है, कोई प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशंस नहीं है, कोई रिटन थ्योरीज नहीं है, सब बातें हैं. और बातों के कुछ एग्जाम्पल्स हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई कुछ नहीं होता, हमने बहुत किया बट हुआ नहीं. सो हाउ विल यू डिफाइन मैनिफेस्टेशन अमिडस्ट ऑल दीज मिक्स्ड ओपिनियंस एंड रिव्यूज ऑफ दीज थिंग्स? Naman, I'm going to answer your question in two parts. First of all, I want to break the myth that manifestation sirf aur sirf ek theory nahi hai jo aaj jo you know kisi ne bana di. This is actually based on science. I'll tell you how it is based. So aap ye bol rahe ho ki manifestation actually kaam karta hai. 100% kaam karta hai. I'm going to later tell you how it has worked in my life and how it has touched life of many people around me who I've worked with. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टेल यू यू वी ऑल एक सिंपल सी बात मैं आपको बताऊंगी. मैं कोई बहुत बड़े बड़े जॉगन्स नहीं यूज करूंगी हमारे पॉडकास्ट में आज. आई एम गोइंग टू मेक इट वेरी सिंपल फॉर एवरीबडी हु लिसन्स टू अस. सो आप हम सबको पता है दैट देर इज अ क्वांटम थ्योरी दैट एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज बेस्ड ऑन एनर्जी. इवन मैनिफेस्टेशन फॉलोज द सेम थिंग. मैनिफेस्टेशन से पहले एक चीज आती है जो लोग नहीं समझते हैं, इसकी वजह से मैनिफेस्टेशन काम नहीं करती है, दैट इज लॉ ऑफ वाइब्रेशन. सो आई एम गोइंग टू टॉक वेरी ब्रीफली अबाउट लॉ ऑफ वाइब्रेशन. लॉ ऑफ वाइब्रेशन होता क्या है? लॉ ऑफ वाइब्रेशन का मतलब होता है कि हर एक चीज़ की एक फ्रीक्वेंसी है, हर एक चीज़ की एक एनर्जी है. अब वो बनती कैसे है? सो बेसिकली हमारी खुद की एक फ्रीक्वेंसी होती है और जब तक वो फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती है, जो भी चीज़ हम चाहते हैं तब तक वो चीज़ हमारी लाइफ में नहीं आती है. दैट इज़ द रीज़न लाइक यू सेड कि लोग कहते हैं ये चीज़ यू नो दिस इज़ नॉट समथिंग दैट वर्क्स फॉर देम. The reason it doesn't work for them is purely because their energy is not matching to the frequency of what they want in their life. Once their energy will match, their frequency will match to the frequency of whatever they desire in their life, they will manifest in their life. अब उसके लिए कुछ चीजें होती हैं जिसके बारे में हम later discuss करेंगे. It's a very wide topic honestly, but मैं कुछ parts हैं जो आज आपके साथ इस podcast पर discuss करूँगी. So like you said, this is definitely science. अब manifestation काम कैसे करता है हम इसके बारे में भी discuss करेंगे in simple language. I hope you know about neuroplasticity. If not, let me enlighten you today. It's very simple. हमारा brain भी on एक super computer है. अब वो super computer का एक part है neuroplasticity. उससे basically क्या होता है, हम कोई भी चीज़ rewire या reprogram कर सकते हैं अपने brain में. और मैनिफेस्टेशन उसी चीज़ में हमको हेल्प करता है. मैनिफेस्टेशन का क्या है? मैनिफेस्टेशन में कहा जाता है कि आप पॉजिटिव रहिए, बिलीव करिए, रिपीट करिए अपनी पॉजिटिव एफर्मेशंस को, सो दैट एक्चुअली न्यू पाथवेज कैन बी फॉर्म्ड. आई एक्सप्लेन इट अगेन टू यू. इसके अंदर क्या होता है न्यूरोप्लास्टिसिटी में, बेसिकली न्यू पाथवेज बनाए जा सकते हैं बाय न्यू थिंकिंग. सो इट इज़ ऑल साइंस. अगर किसी को भी लगता है ये साइंस नहीं है, इज ओनली बिकॉज दे हैव नॉट फुली प्रैक्टिस्ड इट. अगर आप इसे बिलीव के साथ प्रैक्टिस करेंगे, देर इज नो वे दैट इट विल नॉट वर्क फॉर यू. आई एम श्योर देर इज समवेयर दैट यू आर लैकिंग, दैट इज आपका एक कोई सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है जो स्टॉप कर रहा है आपको एक्चुअल में अचीव करने के लिए अपनी मैनिफेस्टेशन. मतलब आप ये बोल रहे हो बेसिकली कि जो लोग ये कह रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन डज नॉट वर्क, they have practiced manifestation but they have reached a conclusion jahan pe wo ye bol rahe hain ki it doesn't work. So aap ye kehna chahte ho ki it doesn't work only when your beliefs are not inclined with what you want to achieve. Matlab maine bhi suna tha ek video mein, they were talking about beliefs only ki main chahta hu ki mera business profitable ho jaye but mujhe ye believe hi nahi hai ki ye profitable ho sakta hai to wo kabhi nahi hoga.
So, exactly. यही बात है ना, यही बिल्कुल, मतलब क्योंकि जब आपको खुद पे विश्वास नहीं होगा, खुद पे बिलीफ नहीं होगा, आप कहीं ना कहीं उस काम को अधूरा छोड़ देंगे. It is as simple as that. If you don't believe in yourself, you will, whenever you see slight inconvenience, आपको लगेगा मैं तो वैसे ही नहीं कर पाऊंगा, मैं ये पड़ी क्यों रहा हूँ इस झंझट में, मैं वही अपनी जिंदगी जी तो रहा हूँ, मैं अगर 50,000 कमा रहा हूँ मैं खुश तो हूँ, मैं लाख कमा रहा हूँ तो मैं खुश तो हूँ. सो आप अपने उसी सेल्फ लिमिटिंग लाइफ को जीते रहेंगे, दैट्स हाउ इट इज. बट जब आपको पता होता है कि आप अपने में बिलीव करते हैं, इफ यू नो दैट यू आर केपेबल ऑफ अर्निंग 10 lakh rupees, यू आर गोइंग टू मेक क्लियर गोल्स, यू आर गोइंग टू टेक इंस्पायर्ड एक्शंस. See, Naman, that is, there is one thing which is very important to make our audiences understand. Manifestation se baithe baithe nahi ho jati. That is, wishful thinking nahi hai manifestation. Aapko inspired action to lena hi padega. Wishful thinking, matlab, if you can take a minute on wishful thinking. Absolutely. I love to elaborate this to our audience. So, wishful thinking is basically ki aap apne mind mein ek thought process le aate hai ki main ab manifestations ki kuch technique kar raha hu to meri life ekdam change ho jani chahiye. Wo change lane ke liye aapko kuch na kuch steps to lene padenge. Manifestation actually aapko help karta hai positively apne aap ko align karne ke liye apne goals ke saath. जब आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूटिलाइज करते हैं या आप उनको समझते हैं तो आप एक्चुअली अपने लिए क्लैरिटी लाते हैं अपनी लाइफ में. और क्लैरिटी सबसे पहला स्टेप है कोई भी चीज़ को, कोई भी गोल को एक्चुअली इंटेंट के साथ स्टार्ट करने का. सो विजुअल थिंकिंग का मतलब है कि आप सिर्फ आज ड्रीम कर रहे हैं. यू कांट ओनली बी अ ड्रीमर, यू हैव टू बी अ डूअर. डूअर, ओके. सो जस्ट द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग आई एम गोना अचीव दिस, जस्ट द प्रोसेस ऑफ seeing I'm achieving this is called wishful thinking. And inspired action का मतलब है कि अब मैं इस अपनी wishful thinking या इन thoughts से inspired हूँ तो मैं उस direction में action लूँगा, right? Exactly. Alright, so basically इसने आप ये बोल रहे हो कि it is a science, it works. So आप अपनी life का कोई example बताओ मुझे जो आपको लगता है कि ये तो अगर मैं manifest नहीं करती या मेरे को manifestation का पता नहीं होता या ये science नहीं होती, ये exist नहीं करता concept, तो ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती मेरी लाइफ. मैंने अपनी लाइफ की ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया मैनिफेस्टेशन से. ठीक है नमन, आई एम गोइंग टू टेल, आई हैव लॉट ऑफ एग्जांपल्स, बट आई एम गोइंग टू टेल सम एग्जांपल्स व्हिच आर वेरी क्लोज टू माय हार्ट, एंड वन इज माय हेल्थ. बिकॉज मैंने एक्चुअली मैनिफेस्टेशन से एक चीज सीखी है, हम ही अपनी लाइफ में एक डिजीज को मैनिफेस्ट करते हैं. हम इतने पावरफुल हैं, हम उसी चीज को अपनी लाइफ से क्योर भी कर सकते हैं. Okay. So I'm going to just elaborate on that. Okay, yeah, please. Yeah. So I manifested, I say it that I did manifest because I think health issues हमारे खुद की वजह से ही आते हैं हमारी life में. I had thyroid when I was what 24 or 23. I had PCOD and over the years I also got ovarian cyst. So these are all hormonal disbalances and somehow because of stress, because of anxiety and because of I was an overthinker before, you know, getting into manifestation and everything, or while I was also practicing manifestation. So maine ye kuch cheeze manifest kari, ab maine apne aap ko cure kaise kara. I told myself I have the power within me to get healed. So I actually, these are chronic diseases जिनको कहा जाता है, जिनकी अगर आप medicine एक बार start कर देते हैं, you have to take them lifelong. And today, I have no issues. I have none of the three. I cured my thyroid. I just don't say I cured my thyroid. I actually, you know, I have a lot of gratitude to God for it. कि मुझे actually ये चीज़ समझ में आई कि मैं अपने आप को खुद heal कर सकती हूँ. So by understanding the law of manifestation, understanding manifestation, I did cure thyroid, then PCOD and ovarian cyst. And I was told a lot many times that I will, because of these three things, I will have a lot of issues when I'll have to conceive. But I was very blessed. I'm very grateful for the fact that I had no issues in my pregnancy. So wo bhi ek part of manifestation hai mera. So I'm just telling you about my health, ki kaise ye cheeze apne aap theek hui. तो मैनिफेस्टेशन कुछ टेक्निक्स नहीं है जो आजकल सिर्फ हमें सुनने को मिलती है. इट्स
लॉन्ग ब्रॉड टर्म जिसके अंदर हीलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, नॉट जस्ट माई हेल्थ नमन, आपको और मेरा तो मिलना भी इज पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन. एज आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, बट जब मिले थे मैंने आपको बताया था कि मेरा 2024 का गोल था टू हैव माई ओन डिजिटल कोर्सेज. व्हेन आई मेट यू आई एक्चुअली कुड रिकॉल कि मैंने अपने जर्नल में ये सब लिखा हुआ है कि मुझे अपने डिजिटल कोर्सेज लॉन्च करने हैं. We met just for a coffee and things happened. So actually चीज़ें coincidence से नहीं होती हैं, ये हम manifest करते हैं. यार मैं तो उस इवेंट पे आने ही नहीं वाला था जहाँ मैं आपसे मिला. आप तो आने भी नहीं वाले थे. मतलब I was just coming for a friend, right? कि वो आ रही है, उसने मुझे बोला आप साथ चलो, और उसने एंड मोमेंट कैंसिल कर दिया. आई जस्ट केम बिकॉज टिकट्स परचेज थी, मेरे को कॉल आ गया रिमाइंडर के लिए, तो मेरे को बोलना पड़ा कि हाँ आ रहा हूँ. आ गया, मेरा कोई मन नहीं था. एंड इफ यू रिमेंबर आई केम देयर रिप्रेजेंटिंग माय रेस्टोरेंट बिजनेस, नॉट द एजुकेशन बिजनेस. बट व्हेन आई फाउंड द एनर्जी, आई फाउंड पीपल टॉकिंग मोर अबाउट कंटेंट क्रिएशन, पीपल टॉकिंग अबाउट मोर इनटू एजुकेशन. तो आई वाज लाइक कि मैं तो हुई एडुकेटर, तो मैं रेस्टोरेंट बिजनेस की क्यों बात करूँ, मैं एजुकेशन की बात करूँगा. आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट एडुक्राडल एंड यू केम अप्रोच्ड. I still remember you were talking to someone. Yeah. I call it God's Way, and that's how we named our God's channel way. Also God's Way, because actually our way became God's Way. हमने सिर्फ generally आप किसी से बात कर रहे थे. I still clearly remember. मैं हमेशा से मानती हूँ आप generally बात कर रहे थे, मैं generally आई. But ये कहीं ना कहीं ये energy होती है जो हमें उस इवेंट के लिए यू नो अपने आप अट्रैक्ट करती है, और हम सही जगह पे सही वक्त पहुंचते हैं. जिसको कहते हैं वो मैनिफेस्टेशन. मैं खुद बहुत टाइम से प्लान कर रहा था कि मैं अपने कोर्सेज को रीलॉन्च करूं, अपने एडुक्राडल रीलॉन्च करूं. आई वाज आल्सो लुकिंग फॉर अ कोलैबोरेशन फॉर दैट, बिकॉज मेरे साथ भी पार्टनर्स वाली चीजें कुछ हुई. सो आई वाज आल्सो लुकिंग फॉर अ कोलैबोरेशन. सो व्हेन वी डिस्कस्ड वी डिस्कवर्ड अ वे, एंड आई गेस I was also manifesting that. Absolutely, you were manifesting. I was manifesting. That's why we just met once, and I clearly remember we spoke for what 4 to 5 hours. Yeah. And that's how things work. एक और चीज manifestation के बारे में जो बहुत अच्छी होती है. Manifestation में ना आपको बहुत signs मिलते हैं, because आप अपने आप से इतने connected होते हो ना कि चीजें अपने आप unfold हो जाती हैं. That is why जो लोग सोचते हैं ना अपने आप चीजें हो जाती हैं. वो अपने आप होने का मतलब है लाइफ के इवेंट्स अपने आप लाइंड अप हो जाते हैं. एक्शन आपने और मैंने दोनों ने लिया, बात आपने और मैंने दोनों ने करी, थॉट प्रोसेस में हम दोनों ने ये डिजायर लाया. बट कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन हेल्प करता है. यूनिवर्स, एक्चुअली यूनिवर्स इज द करेक्ट वर्ड टू यूज. यूनिवर्स हेल्प करता है टू बिल्ड अप दोज इवेंट्स दैट टू पीपल व्हाटएवर दे वर डिजायरिंग टू मेक इट हैपन. और एकदम से ग्रो हो गया. सो उसके जो फाउंडर है आकाश आनंद, ही वाज टॉकिंग टू समबडी इन अ पॉडकास्ट में भी, ही वाज टेलिंग दैट आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन. आप अभी लिख लो बेला वीटा ओनर आकाश आनंद लिखा आएगा, उनके नीचे लिखा आएगा ही टॉक्स अबाउट मैनिफेस्टेशन, ही टॉक्स अबाउट आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन एंड हाउ ही इम्प्लीमेंटेड मैनिफेस्टेशन इज डे टू डे लाइफ. सो ही वॉज टॉकिंग अबाउट अ कॉन्सेप्ट कॉल विजुअलाइजेशन. ही वॉज टेलिंग इन दैट वीडियो कि मैंने ये सब होता हुआ देखा था. मैं आज ये विजुअलाइज करता हूँ कि बेला वीटा वर्ल्ड की नंबर वन या बिगेस्ट परफ्यूम ब्रांड बनेगा, तो आज नहीं तो कल इट इज अबाउट टू हैपन. बेला वीटा इज अ ग्रेट एग्जाम्पल, बट दिलजीत को सब जानते हैं, राइट? Yeah, obviously. Exactly. He is one of the biggest successful people right now in the industry. And मैंने भी उनकी एक बहुत ही सुंदर वीडियो देखी थी, उनके कॉन्सर्ट की वीडियो थी, जिसके अंदर वो खुद बोल रहे हैं ये बात कि आप सब यहाँ पे इसलिए नहीं हो क्योंकि आप सब यहाँ आना चाहते हो, आप इसलिए यहाँ पर हो क्योंकि मैंने ये विजुलाइज किया था. सो आप ये देखो विजुलाइजेशन की पावर कितनी बड़ी है. हाँ, मतलब मैंने भी देखी थी जिस रील की आप बात कर रहे हो. ही वाज टेलिंग इन दैट वीडियो कि आप 5 मिनट अपने साथ बैठो, बिल्कुल, और जो आप चाहते हो वही होगा. आप बस अपने साथ 5 मिनट बैठो और देखो कि आप क्या चाहते हो. और ही वाज टेलिंग ऑल्सो टेलिंग इन दैट वीडियो कि मैंने एक्चुअली ये कॉन्सर्ट देखा, मैंने खुद को गाते हुए देखा और आप लोगों को आते हुए देखा. ये सब मैंने देखा है इसलिए ये सब आज हो रहा है. सो मतलब विजुअलाइजेशन आई बिलीव इज दैट बिगर रोल. इट इज अ बिग थिंग. आप विराट कोहली देख लीजिए, आप धोनी देख लीजिए, आप कोई भी बड़े से बड़ा एक्टर या किसी भी क्रिकेटर को देख लीजिए, दे ऑल विजुअलाइज. इन फैक्ट देयर आर क्रिकेटर्स हु इवन बिफोर प्लेइंग अ शॉट विजुअलाइज हाउ दे आर गोइंग टू प्ले दैट शॉट.
इट इज दैट बिग. सो मैनिफेस्टेशन इज अबाउट विजुअलाइजेशन. ये जो मैनिफेस्टेशन का पूरा प्रोसेस है, डज इट वर्क फॉर एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ? कि मुझे अपना बिजनेस ग्रो करना है, मुझे अपनी हेल्थ बेटर करनी है, मुझे फिट होना है, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पर्टिकुलर पार्टनर चाहिए, मुझे ये स्किल चाहिए, मुझे वो स्किल चाहिए, सब पे काम करता है. मैनिफेस्टेशन एक पर्टिकुलर चीज पे नहीं, सब पे काम करता है. बिकॉज आप अपने आप पे काम करते हैं जब आप मैनिफेस्टेशन पे काम करते हैं. सो व्हेन यू एज अ पर्सन बिकम बेटर, यू डोंट बिकम अ बेटर पर्सन ओनली इन वन स्पेयर ऑफ लाइफ. आप तो हर एक चीज में अच्छे हो ना उस टाइम पे. तो आप बेसिक एक चीज होती है, प्रिंसिपल होता है मैनिफेस्टेशन का. जब भी आप कोई चीज मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, फोकस ऑन दैट वन सिंगुलर थिंग. जब आप अपनी सारी पॉजिटिविटी, अपना सारा थॉट प्रोसेस, अपनी सारी अटेंशन एक चीज पे लगाते हैं, तो चीजों को मैनिफेस्ट करना आसान हो जाता है. आप चार चीजों में अपना फोकस लगाएंगे, डाइवर्ट करेंगे अपनी अटेंशन, तो हाँ कहीं ना कहीं वो प्रोसेस थोड़ा डिले हो जाएगा. That is why it is always said, whatever is your main focus at that point of time, उसी चीज पे focus करके उसी पे manifestation को apply करो. Manifestation में एक और problem, जो major problem है, जो लोग ये बोल रहे हैं कि it doesn't work, वो इसलिए बोल रहे हैं कि they practice it, but जितना time उन्होंने सोचा या उनको results नहीं मिले maybe. तो ऐसा होता है कि हमें एक dedicated time लगाना है कि आप manifestation कर रहे हो तो 21 दिन लगाओ, 50 दिन लगाओ, 100 दिन लगाओ, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 1 साल लगाओ और 1 साल तक वो चीज़ प्रैक्टिस करो तब आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा. right. या इट्स एन ऑन गोइंग कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. right. और अगर कोई इंसान उस जर्नी में डीमोटिवेट हो रहा है, सो क्या करना है फिर उसको कि वो बिलीव रखे, कंटिन्यूस रहे? क्योंकि अगर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे तो हर कोई डीमोटिवेट होएगा ही होएगा कि मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूँ, मैं इसको कर रहा हूँ, इस प्रोसेस में बिलीव कर रहा हूँ, एफर्ट्स लग रहे हैं, मेरा बहुत एनर्जी लग रहा है, बट देयर इज़ नो आउटकम. So how to stay motivated in that way? Are there any dots which gets connected? वो सारा एक बार अगर आप बताओ. Absolutely. Manifestation में बहुत बार लोग anxious हो जाते हैं जब results उन्हें instantly नहीं मिलते हैं. That is because of two things. एक आपके self-limiting blocks, आपके self-limiting beliefs. आप जब तक उन्हें remove नहीं करेंगे, आप further नहीं बढ़ पाएंगे. Second thing, important thing is you have to surrender. तो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. लेट्स सपोज एक एग्जांपल मैं आपको ऐसे देती हूँ. अगर आपने टेक्निक स्टार्ट कर दी हैं बट आप तब भी अपनी इनर हीलिंग नहीं कर रहे हैं, आप अपनी हीलिंग जर्नी को अवॉइड कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं द एक्चुअल रिजल्ट्स लाई इन द वर्क दैट यू आर अवॉइडिंग. सो यू हैव टू डू दोज थिंग्स जो आप अवॉइड करते आ रहे हैं, जिन पैटर्न्स का अभी तक चलते आ रहे हैं, पहले आप उनको रिमूव करिए, तभी मैनिफेस्टेशन काम करेगी, पहली चीज़. दूसरी चीज़, आपने सब चीज़ें इंस्पायर्ड एक्शन सारी चीज़ें अपने हिसाब से कर दी है, नाउ यू हैव टू सरेंडर. थिंग्स वर्क इंस्टेंटली ऑल्सो एट टाइम्स इन मैनिफेस्टेशन, एंड देर आर टाइम्स दैट इट टेक्स टाइम. यू हैव टू अंडरस्टैंड कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई एक डॉट मिस आउट कर रहे होंगे जिसकी वजह से वो टाइम ले रहा है. एंड द मोमेंट यू रियलाइज दैट एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ यू, देर इज नोबडी एल्स टू बी ब्लेम्ड, आप अपनी जर्नी को एक्सेलरेट कर सकते हैं. So that is the reason manifestation locally delay hoti hai, because they don't surrender and they don't work on their limiting beliefs. मतलब इसमें मुझे भी ये लगता है कि अगर आप कोई चीज़ manifest कर रहे हो, let's suppose मैं manifest कर रहा हूँ कि मेरा restaurant profitable हो जाए, I was manifesting it. So अगर मैं उसमें छोटी छोटी progress की, यार हमने इस दिन बहुत अच्छी सेल करी या हमारी ये वीडियो वायरल हुई, तो ये सारी चीज़ें कल को जाके एक्स्ट्रा सेल्स देंगी ये, और या फिर इस महीने मेरे 10 ब्लॉगर्स कवर हुए, हमें स्टार स्पोर्ट्स ने फीचर किया, दैट मंथ वी मेड अ लॉस, बट आई न्यू कि दिस इज गोना गिव मी रिजल्ट लेटर, एंड दैट हैपेंड. अगर मैं उस छोटे साइंस को ना नोटिस करूं और मैं बिल्कुल इग्नोर कर दूं, मेरा कोई मतलब ही नहीं है, तो आई ऑल्सो माइट गेट डीमोटिवेटेड कि एक महीना हो गया मुझे मैनिफेस्ट करते हुए, थोड़ी तो सेल बढ़ जाती, बढ़ी ही नहीं इस महीने भी, बट अगले महीने एकदम से बढ़ गई. सो ऑल दीज फैक्टर्स विच हैपेंड, आई डिड फेल्ट पॉजिटिव because of those factors ki yaar ye sab ho raha hai, so it's gonna be a journey. It is manifestation is a journey. Kyunki aap jo bhi cheez apne lessons se seekhte hain wo aapko jab tak aap prepared nahi hote na isko is tarike se samajhte hain, jab tak aap prepared nahi hote na wo cheez aapki life mein tab tak aati nahi. Jis din aap us frequency pe vibrate karne lag jate hain uska matlab hota hai jis din aap us goal ke liye prepared ho jate hain wo goal usi din aapko milta hai. You said a very beautiful thing, Naman, here, कि बहुत बार लोग ना अपनी छोटी छोटी progress को सोचते ही नहीं, वो समझते ही नहीं उस चीज़ को. You have to understand God is actually preparing you for the bigger goal. So I will suggest one thing,
make smaller goals. Mm. Every time you manifest a smaller goal, it makes you believe in yourself and in the process of manifestation, and also it helps you track your growth. आप कभी भी अपनी past life में कोई भी चीज देखेंगे ना, you'll understand हर एक चीज दूसरी चीज से match करती है. कुछ अच्छा हुआ है वो भी आपके लिए हुआ है, कुछ बुरा हुआ है वो भी आपके लिए हुआ है. आपने मेरे को 5 ऐसे टिप्स बताओ किसी ऐसे इंसान के लिए जो ये पॉडकास्ट देखेगा और उसके बाद सोचेगा कि अच्छा मैं मैनिफेस्टेशन ट्राई करता हूँ, मुझे ये प्रोसेस जानना है या मुझे साइंस को अप्लाई करना है अपनी लाइफ में, तो आप 5 मुझे सिंपल पॉइंटर्स बताओ, वेरी सिंपल पॉइंटर्स जो कि उसके लिए बहुत यूजफुल होंगे. राइट, आई एम गोइंग टू टेल यू 5 वे प्रोसेस व्हिच आई फॉलो इन माय जर्नी. इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस बट देयर इज वन की टू इट. You have to follow it consistently. Manifestation में हम कहते हैं repetition is the key. एक routine बनाइए और उसको follow करिए. So अब steps मैं आपको बताती हूँ. The number one step is you have to have a clear intention. एक clarity होना life में बहुत important है. तो सबसे पहले चीज है, आप जो भी चीज चाहते हैं अपने desire को लेकर बहुत ही clarity के साथ सोचिए. Don't be like आज मुझे ये चाहिए कल मुझे ये चाहिए. जो आपको चाहिए be focused. सबसे पहला point. नेक्स्ट पॉइंट इज जब आपने वो इंटेंशन कर ली है कि अब मुझे इस इंटेंशन के साथ स्टार्ट करना है, उसको फर्दर आप क्लैरिटी दीजिए कि आप अपने छोटे छोटे गोल्स सेटअप कर लें. बिगर गोल्स मेक इट डिफिकल्ट एंड व्हेन वी डोंट अचीव देम वी गेट डीमोटिवेटेड. सो ऑलवेज सेट स्मॉलर गोल्स एंड मैनिफेस्ट दोज एंड वर्क टुवर्ड्स देम. द थर्ड थिंग इज बिलीव इन योर सेल्फ. सो इसमें फोर्थ पॉइंट और थर्ड पॉइंट काफ़ी सिमिलर है. मैं पहले थर्ड को कवर करूँगी. When you start believing in yourself, you start positively talking to yourself, that is when you actually start on your manifestation journey. Now that brings me to my fourth point, that is limiting beliefs ko hataiye. Apni negative talk ko apne dimag se hataiye. Apni lives mein jitne zyada aap positive cheezon ke andar reh sakte hain, usko kariye. Ab aap positivity ko kaise la sakte hain, main uske liye kuch techniques bataungi aapko. Fifth point is always have gratitude. And what you can do is there are few techniques which really help us out in manifestation, that is journal your thoughts. और आप मुझे थोड़ी सी वो चीज़ें भी बताओ जो हम अपनी लाइफ में रेगुलरली करते हैं, हमेशा ही कर रहे होते हैं शायद, जो शायद हमारी मैनिफेस्टेशन को या हमें अपने गोल से दूर रखती है या रोकती है. बेसिकली दे आर हिंडरेंसेज, हर्डल्स इन आर जर्नी. और हमारे माइंड में हम ऐसी क्या चीज़ें कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो चीज़ें होती हैं. अगेन सबसे पहली चीज़ नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीव्स. हम जितनी पॉजिटिव थिंकिंग नहीं करते हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा हम नेगेटिव थॉट्स सोचते हैं. दूसरी चीज़ ओवर थिंकिंग. ओवर थिंकिंग होती क्या है? ओवर थिंकिंग होती है आप बहुत ज़्यादा या तो अपने यू नो स्ट्रेस लेते हैं बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर के बारे में, या कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट में स्टक रहते हैं. मैनिफेस्टेशन अगर आप यू नो प्रोसेस को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप कभी भी मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को आगे लेकर जाना चाहते हैं, डिले नहीं करना चाहते हैं, स्टार्ट लिविंग इन प्रेजेंट. स्टॉप लिविंग इन योर पास्ट और योर फ्यूचर एंड स्टॉप रिजिस्टिंग थिंग्स. लोगों की एक हैबिट होती है चीज़ों को रिजिस्ट करना, कि अगर अपने आप को चेंज करना है, हमें चेंज बहुत मुश्किल लगता है. बट ईच चेंज एक्चुअली टेक्स अस टू वेयर एवर वी वॉन्ट टू बी इन लाइफ. तो रिजिस्ट मत करिए अपनी लाइफ में चेंजेस को, ग्रोथ को, चैलेंजेस को. टेक इट एज इट कम्स एंड बी ग्रेटफुल फॉर योर चैलेंजेस आल्सो. सो दैट्स वन टिप फ्रॉम माय एंड. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने भी थोड़ा पढ़ा तो पता चला कि यू हैव टू सरेंडर. मतलब आपको अपना काम करना है और आपको शायद आउटकम को, यूनिवर्स को सरेंडर कर देना है. इन अ लॉट ऑफ वीडियोज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स टॉकिंग अबाउट सरेंडरिंग टू द यूनिवर्स, कि आपके हाथ में कंक्लूजन नहीं है तो आप उसको छोड़ दो. डू नॉट स्ट्रेस योर माइंड अबाउट इट. सो हाउ कैन समबडी सरेंडर? क्योंकि मेरे लिए भी सरेंडर कर देना बहुत डिफिकल्ट. आई एम अ कंट्रोल फ्रीक पर्सन. मैं जब कोई काम कर रहा हूँ तो मैं उसको 10 बार सोच के ही कर रहा हूँ, मैं उसमें बहुत एफर्ट लगा रहा हूँ. तो मैं कैसे सरेंडर कर दूँ कि मैं छोड़ दूँ कि जो होगा देखा जाएगा? भाई क्यों होगा देखा जाएगा? मैं बता तो रहा हूँ कैसे करना है. सो मतलब हाउ कैन समबडी सरेंडर एंड वेदर सरेंडरिंग इज दैट इम्पॉर्टेंट और नॉट? तो लोग कहते हैं मैं सरेंडर कैसे कर दूँ, इसी को तो कहते हैं ट्रस्ट द प्रोसेस. नाउ व्हेन यू ऑर्डर फॉर दिस गार्लिक ब्रेड, यू न्यू दैट राइट योर स्टाफ इज गोइंग टू गेट दिस गार्लिक ब्रेड. सो व्हेन यू ऑलरेडी आस्क्ड यूनिवर्स समथिंग, आप कैसे नहीं उस प्रोसेस को ट्रस्ट कर सकते हैं? आपको पता है वो चीज़ आ जाएगी. द थिंग इन मैनिफेस्टेशन दैट वी से इज
don't concentrate on the how. Your work is to only do what you have to do. आप अपना पार्ट कर लीजिए, हाउ छोड़ दीजिए यूनिवर्स पे. और द रीज़न मैनिफेस्टेशन डिले होती है जिसकी हम बात कर रहे थे रेजिस्टेंस की, वो यही रीज़न है क्योंकि आप इतने स्टक रहते हैं हाउ विल इट कम आप ओवर थिंकिंग में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं कि आप ये चीज़ भूल जाते हैं. दैट्स नॉट योर पार्ट, दैट इज़ यूनिवर्स थिंग टू डू. जो आपका पार्ट नहीं है उस पर फोकस क्यों कर रहे हो ना आप, उस पर फोकस करो जो आपका पार्ट है. आप अपना काम करो और भूल जाओ. जैसे किशन जी कहते हैं कर्म करो और फल के बारे में भूल जाओ. That's exactly what implies in manifestation too, and that is the reason you have to surrender, because you don't have to get into the process of how. आपको पता है अभी थोड़े टाइम पहले हाउडी बंद हो गया था because of XYZ reasons. कुछ MCD का स्ट्राइक हुआ मार्केट पे, पूरी मार्केट बंद हो गई and bigger brands like Starbucks also got closed. So we did not have any idea कि कब ओपन होगा. Completely out of my limits thing. मेरे लिए तो इट वॉज लाइक एन एक्ट ऑफ गॉड कि मेरे को पता ही नहीं है क्या करना है. आई वॉज कम्प्लीटली क्लूलेस. आई वॉज सो मच डाउन इन माई हार्ट. मेरे को दिन में 10 बार मेरी वॉच में नोटिफिकेशन आता था ब्लड प्रेशर आएगा, क्योंकि मैं इतना टेंशन में था कि क्या होगा क्या होगा, इतना पैसा लगाया हुआ है. सो एट दैट टाइम माई नानी टुक मी टू अ पंडित जी. उन पंडित जी ने मेरी कुंडली देखी और देखते ही बोला कि तुझे काल सत दोष है और इसकी पूजा उज्जैन जाके करानी पड़ेगी, आप वो कराओ, अदरवाइज आपकी लाइफ में ऐसे बड़े बड़े बिजनेस प्रॉब्लम्स आते रहेंगे. मेरी लाइफ में आते रहे हैं पहले भी. तो सिंस एट दैट टाइम मैं तो बहुत होपलेस था ही, सो एनी काइंड ऑफ होप एनी बडी इज गिविंग आई वुड हैव बिलीव्ड इट. आई डिड दैट, आई डिड द पूजा, एवरीथिंग हैपेंड, कैफे भी खुल गया, अब प्रॉफिटेबल भी हो गया, चल भी बहुत बढ़िया रहा है, ट्रेंड भी हो रहा है, वायरल भी जा रहा है, सब कुछ रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, सब कुछ परफेक्ट है. एंड सी आई एम स्टार्टिंग द एजुकेशन कंपनी अगेन, राइट? सो आई जस्ट वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड कि सब लोगों के पास इंडिया में पंडित जी है. एवरी बडी इन इंडिया हैज़ अ पंडित जी हुम दे ट्रस्ट. I'm not denying anybody's trust, no offense to anybody's trust, but इन दोनों बातों का, मतलब मैनिफेस्टेशन का और पंडित जी की कही हुई बातों का, क्या इनका आपस में कोई लिंक है या कोई लिंक नहीं है? ये दोनों बहुत ही अलग बातें हैं. मतलब मैं समझना चाहता हूँ कि कैसे ये दोनों इंटरलिंक्ड होंगे अगर होंगे तो. Again, everybody is going to have a very different perspective about this topic. I will never say that astrology fake hai ya koi bhi cheez fake hai. It's also part of science, but usse ek tarike se different tarike se present kara jata hai. मेरे से अगर आप पूछेंगे मैनिफेस्टेशन का, मेरे हिसाब से तो इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसा, इसको इस तरीके से समझिए, आपने कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करा कि आप उसका सोल्यूशन चाहते हैं, आपने उन पर बिलीव करा और आपने वो चीज़ करी. अगर आप बिना बिलीव के वो एक्ट करते, क्या वो एक्ट ठीक होता? बहुत आप पहली बार नहीं एस्ट्रोलॉजर पे गए हो, बहुत बार गए हो, बहुत बार चीज़ें उनकी कही हुई सच होती होंगी, बहुत बार नहीं होती होंगी. द रीज़न इज आप किस तरीके से उन पर बिलीव करते हैं. आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, प्रेयर भी इसी तरीके से काम करती है. जब आप भगवान के पास जाते हैं तो आप कहते हैं चमत्कार हो गया, मिरेकल्स कैसे होते हैं. हम तो कहते हैं मैनिफेस्टेशन के थ्रू बहुत सारे मिरेकल्स हो सकते हैं, एंड यू कैन एक्चुअली मैनिफेस्ट मिरेकल्स इन योर लाइफ एंड इट वर्क्स एज मैजिक. तो कहीं ना कहीं इफ यू आस्क मी, इट इज गॉड्स वे टू गेट यू योर बिलीफ एंड मेक थिंग्स हैपन इन योर लाइफ. जब आप पंडित जी से मिले, आपने वो चीज़ कहीं ना कहीं मान ली कि मैं अगर ये चीज़ करूंगा तो मेरे को सोल्यूशन मिलेगा. जो आपको कहीं होप नहीं मिल रही थी, आपको उनकी बातों में होप मिली. हाँ, मतलब मैं पंडित जी से बात करके आया, उससे पहले 3 दिन तक तो आई वॉज नॉट इवन एबल टू स्लीप एट नाइट्स. मैं बिल्कुल नहीं सो पा रहा था, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे. आप मानोगे नहीं, मैं 4-5 घंटे तो रोया हूँ घर पर बैठ के कि यार मेरे साथ क्या हो गया, दिस इज कम्प्लीटली आउट ऑफ माई कंट्रोल. एंड पंडित जी की बात सुनी, उसके बाद आई गॉट बैक एट माई प्लेस. एंड मेरे पास काम तो उस टाइम कुछ था नहीं, क्योंकि एजुकेशन में भी इट वॉज अ डॉर्मेंट थिंग, एंड रेस्टोरेंट भी चलते चलते एकदम से ऐसे हो गया. सो व्हाट आई डिड कि मैं अपनी टीम के पास आया, उनके साथ बैठा, बात करी, और एवरीबॉडी डिसाइडेड कि चलो कुछ रेसिपीज एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं नए मेन्यू के लिए. जब खुलेगा तो एक नया मेन्यू लॉन्च करेंगे जिसमें हम ये रेसिपीज लॉन्च करेंगे. तो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट. और थोड़े टाइम बाद जब रेस्टोरेंट खुला, तब तक हमारा एक बहुत ही अच्छा मेन्यू बन चुका था. हमने अपनी सारी प्रेजेंटेशन, सारी रेसिपीज़ को और अपस्केल कर दिया था. तो कहीं ना कहीं मैं, आप ठीक बोल रहे हो कि मैं मान चुका था रेस्टोरेंट खुल जाएगा, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग कि जब खुल जाएगा तो मैं ये करूँगा.
एग्जैक्टली यू जस्ट सेड एवरीथिंग दैट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन विद योर ओन एग्जांपल. आपने पहले ही चीजें करनी स्टार्ट कर दी. आपने पहले ही अपने ब्रेन को एक सिग्नल दे दिया दैट दिस इज गोइंग टू हैपन. यू ऑलरेडी गेव द यूनिवर्स द फ्रीक्वेंसी दैट आई बिलीव यू आर गोइंग टू मेक इट वर्क फॉर मी. अब वो चाहे पूजा के थ्रू वर्क हो, आपकी प्रेयर्स के थ्रू वर्क हो, वी आर नॉट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड किस तरीके से काम किया, बट इट इज हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क. आपने अपने सारे एफर्ट लगा दिए इस कैफे को खोलने के लिए और आपने वो जहाँ चीजें इम्पॉसिबल दिख रही थी आपने उसकी पॉसिबिलिटी खुद क्रिएट कर दी. सो दिस इज व्हाट मैनिफेस्टेशन सेज. इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ यू कैन टर्न थिंग्स इन योर फेवर विद इन नो टाइम. तो चीजें ऐसे बदल जाती है कि आपको लगता है ये तो कभी हो ही नहीं सकता था, ये कैसे हो गया मेरी जिंदगी में. आपने वही किया, आपने खुद जाके रेसिपी ट्रायल्स लिए, आपने जाके शूट स्टार्ट कर दिए because you somewhere believed in the fact that this is going to happen for me. आप present में जीना भी जी रहे थे ना कि future में कि नहीं होगा. So Sneha, बहुत ही amazing था ये podcast. This one being first podcast, I wanted to start with some positivity, some positive energy. And आपसे बात करके I always felt positive पहले भी. So I was like कि आपसे start करते हैं. And we'll be talking about a topic which is very important, very crucial for people these days. Because हर कोई अपनी life में कोई ना कोई battle लड़ रहा है. हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो उसके लिए बहुत बड़ी है और उसको सॉल्यूशन नहीं पता, जबकि सॉल्यूशन कहीं ना कहीं उसके माइंड में ही है. सो इट वाज अमेजिंग. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग फॉर दिस पॉडकास्ट, सेइंग यस टू फॉर द पॉडकास्ट. थैंक यू नमन फॉर इनवाइटिंग मी टू हाउडी. आई हैड सम अमेजिंग डिशेस ओवर हियर, सो आई हैड अ ग्रेट टाइम एंड दिस इज समथिंग अगेन आई मैनिफेस्टेड. आई ऑलवेज वांटेड टू डू दिस, सो आई एम ग्लैड यू आर डूइंग दिस टुगेदर. सो थैंक यू. So this was Howdy Today's first episode in which we talked about manifestation in detail. Ab hum milte hain agli video mein. Till then, take care, keep learning. Goodbye.